अब हम लोग एक नया क्वेश्चन लेकर आए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3.3, डिफिक द गैल्वेनिक से इन विच द रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज गोइंग, ठीक है, ये रिएक्शन होता है। फर्दर शो दैट विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज, द कैरियर ऑफ द करंट इन द सेल एंड द इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो हमारे पास रिएक्शन दिया हुआ है, रिएक्शन क्या दिया हुआ है, जिंक है, इसका रिएक्शन जो है सिल्वर आयन के साथ हो रहा है, मतलब सिल्वर का कोई सॉल्ट होगा उसके साथ रिएक्शन हो रहा है। रिएक्शन होने के बाद जिंक का कोई सॉल्ट बन रहा है और जो है सिल्वर प्रिसिपिटेट हो रहा है, ठीक है ना। इसमें जो जिंक है ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इसका क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है। इस सेल को हम कैसे अरेंज करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे हम, एक कंटेनर बनेगा, दो कंटेनर बनेगा, दूसरा इधर होगा, कंटेनर बनेगा, इसमें जो है जिंक दे देंगे और यहाँ पर जिंक का सॉल्ट रहेगा, और इधर जो है सिल्वर रहेगा, इधर सिल्वर का सॉल्ट रहेगा, सॉल्ट ब्रिज के थ्रू हम जोड़ देंगे, ठीक है। ये एनोड का काम करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, कौन है लॉस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कौन लॉस कर रहा है, जिंक, इसलिए ये जिंक इलेक्ट्रोड जो है एनोड का काम करेगा। तो जिंक इलेक्ट्रोड क्या करेगा, ये एनोड का काम करेगा, और सिल्वर रिड्यूस हो रहा है इसलिए कैथोड का काम करेगा, इसलिए सिल्वर इलेक्ट्रोड जो है वो कैथोड का काम करेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है इसलिए ये एनोड है, इसलिए नेगेटिवली चार्ज होगा, ये कैथोड है इसलिए पॉजिटिवली चार्ज होगा, ठीक है। जब सेल पढ़ा रहे थे तो ये सब बताए थे कि नेगेटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। सिंपल वह है, जहाँ इलेक्ट्रॉन लॉस होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा, और जहाँ इलेक्ट्रॉन का गेन होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है इसलिए नेगेटिवली चार्ज होगा, और यहाँ इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज होगा। तब पहला कहता है, पहला आंसर क्या लिखना है, डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल, तो सेल हमको डिपिक्ट करना है, सेल कैसे डिपिक्ट, जिंक है, सेल को लिखना है ना, सेल हम लिख रहे हैं जिंक, जिंक जो है ऑक्सीडाइज कर रहा है, जिंक सॉलिड है, ऑक्सीडाइज कर रहा है जिंक आयन में, ठीक है। ये हो गया लेफ्ट साइड वाला, बीच में ये सॉल्ट ब्रिज हो गया, ये सॉल्ट ब्रिज हो गया, और राइट साइड में ये हो गया एनोड, एनोड पर हो रहा है ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर हो रहा है रिडक्शन, ठीक है। कैथोड पर क्या हो रहा है, सिल्वर है, ये जो है सिल्वर में कन्वर्ट हो रहा है, ये क्यों लिख देंगे यहाँ पर, ये हो गया हमारा गैल्वेनिक सेल। ये क्या है, इधर ये कैथोड, ये हो गया पहला आंसर हो गया कि डेपिक द सेल, तो सेल हमने तैयार कर दिया, यही सेल वो डायग्रामेटिकली सेल बनाया, और ये सेल रिप्रेजेंटेशन है, मैथमेटिकली जो लिख के दिखाते हैं वो तरीका है। तो ये हो गया हमारा सेल तैयार हो गया। अब जो है बचा ये तीन क्वेश्चन का आंसर, कह रहा है विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है वही नेगेटिवली चार्ज होगा। तो किस इलेक्ट्रोड पर, जिन यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जमा हो जाएगा और ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा जिंक इलेक्ट्रोड जो है
वो नेगेटिवली चार्ज होगा क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो ही जाता है। उसके बाद कहता है द कैरियर ऑफ द करंट, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जमा होगा, उसके बाद ही एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू जो है इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर से इधर हो रहा है। दो तरह का करंट होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट मतलब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहा है, जिंक से सिल्वर की तरफ जा रहा है, जिंक से सिल्वर की तरफ जा रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट इधर से किधर जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होगा,